नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री, और उसमें पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 या यूनिट नंबर 2, और उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, यानी कि उसके अंदर की जो हमारी मेन टॉपिक होगी आज की इस वीडियो की, वो होगी हेनरी लॉ, यानी कि हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी का नियम कब लगता है, हेनरी का नियम उसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं बड़े ही आसान भाषा में हेनरी का नियम क्या होता है। जब आपसे बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा तो हेनरी का नियम आप कैसे लिखते हैं, और दूसरी बात मेन चीज क्या पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हेनरी का नियम, हेनरी का नियम लगने के लिए सबसे मेन शर्त है कि तापमान पूरे प्रक्रम के दौरान स्थिर होना चाहिए, यानी कि जब तापमान स्थिर होगा या जब तापमान समान होगा यानी कि नहीं बदलेगा तभी क्या होगा, हेनरी का नियम लगेगा। तो सबसे पहले देखिए हेनरी के नियम में समझ लीजिए होता क्या है। हेनरी के नियम में क्या होता है कि किसी भी विलायक में यानी द्रव में किसी गैस को घोला जाता है। ठीक है, पहले बात को समझिए, गैस को द्रव में घोला जाएगा या विलायक में घोला जाएगा तो गैस थोड़ी होगी और विलायक ज़्यादा होगा। जैसे क्या होता है, देखिए जो पीने का पानी होता है ना, पीने का पानी जो होता है हमारे नदियों का पानी, सागर का पानी, महासागर का पानी, उसमें कुछ जलीय जीव रहते हैं। तो जलीय जीव क्या करते हैं, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली रहती है ना, उसी ऑक्सीजन के भरोसे उसमें टिके रहते हैं। पूरे जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं और उसी से अपनी सांस की प्रक्रिया को पूरी करते हैं, और इसीलिए पानी में आराम से जीते रहते हैं। ठीक है, तो उस पानी में क्या है, गैस घुल जाती है। अब देखिए गैस अलग अलग पानी में, जैसे कि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग गैसें अलग अलग तरीके से पानी में घुलती हैं, कोई गैस ज़्यादा घुलती है, कोई गैस कम घुलती है। अब जैसे देखिए साधारण जल में HCl गैस ज़्यादा घुलती है, जो हमारा पीने का पानी होता है उसमें ऑक्सीजन पहले से घुली रहती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में रहती है, जैसे कि 5 mg/L ये ऑक्सीजन आपको पाई जाती है। जो नहाने वाला जल होता है उसमें थोड़ा सा कम होती है ऑक्सीजन, जो पीने वाला जल होता है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी कि जो प्रदूषित जल होता है उसमें कम घुली हुई ऑक्सीजन होती है, कम mg/L होती है, और जो थोड़ा पीने योग्य होता है उसमें थोड़ी ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये हेनरी का नियम कब लगेगा। सबसे पहले जब तापमान स्थिर होगा तब लगेगा, दूसरी बात जब किसी द्रव में कोई गैस घुलेगी तब लगेगा हेनरी का नियम। और हेनरी ने क्या कहा था, कहा था कि ये गैस जब पानी में जाएगी तो कितना घुलेगी, इसी के लिए हेनरी का नियम आया था। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि हेनरी ने क्या कहा था। कहा था कि जब हम इस गैस को इस द्रव में घोलेंगे ना तो ये गैस जाके नहीं घुलेगी, मतलब जब इस गैस को हम इस पानी में डालेंगे तो ये गैस आराम से नहीं घुलेगी, आसानी से नहीं घुलेगी, इसके लिए हमको बाहर से दाब लगाना पड़ेगा। मतलब अगर हम दाब ज़्यादा लगाएंगे तो ये गैस ज़्यादा घुलेगी, अगर हम दाब नहीं लगाएंगे तो ये गैस इस द्रव में जाके नहीं घुलेगी। ठीक है, अब इसके लिए देखिए फाइनली हेनरी ने क्या कहा, उसके नियम को समझते हैं। आप लिखेंगे हेनरी के नियम के अनुसार, आप लिखेंगे हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी भी गैस की द्रव में विलेयता उस पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है, यानी कि ये गैस जब इसमें जाएगी तो इस पर जितना दाब लगाएंगे उतना ही ये घुलेगी, घुलने की क्षमता को क्या कहेंगे, विलेयता। अब देखिए ये दाब है, पी फॉर प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, ठीक है, और यस फॉर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता या घुलनशीलता। ये गैस इस द्रव में जब जाएगी तो उतना ही घुलेगी, उतना ही विलेयता होगी इसकी गैस की जितना उस पर दाब लगाया जाएगा, यानी कि पी प्रोपोर्शनल टू यस। ठीक है, कब, स्थिर ताप पर किसी भी गैस की विलेयता उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। ये समानुपाती का चिन्ह हो गया, ये दाब हो गया, ये विलेयता हो गई, पी प्रोपोर्शनल टू यस। अब देखिए इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो एक नियतांक लगाते हैं, ये यूनिवर्सल तरीका है। ठीक है, आप जानते हैं, बरसों से जानते हैं, जुगों जुगों से जानते हैं। तो पी प्रोपोर्शनल को हटाकर आप यहाँ पर एक नियतांक लगा सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए पी प्रोपोर्शनल टू एच, या इसको हटा करके एक कांस्टेंट लगा दिए, पी बराबर के एच इंटू एस। के एच यहाँ पर एक नया चीज़ आ गया जो नियतांक हटाने के बाद आया है, तो इस नियतांक को हम लोग कह देते हैं क्या है, ये हेनरी का कांस्टेंट, हेनरी नियतांक है। ठीक है, स्थिरांक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर तीन चीज़ आपको दिख रहा है, वो तीनों में पी क्या है, आंशिक दाब है, पार्शियल प्रेशर है, के एच क्या है, तो हेनरी का नियतांक है, हेनरीज कांस्टेंट बोल सकते हैं, यस क्या है, सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता है। अब कभी कभी क्या होता है कि मोल प्रभाज को हेनरी के नियम से जोड़ कर देता है, तब मोल प्रभाज के टर्म में हेनरी के नियम को कैसे बोलेंगे उसको सीख लीजिए। देखिए क्या करता है, कहता है, पहले समझिए,
कहता है कि जब किसी गैस को द्रव में घोलेंगे तब इस गैस का जितना इसमें मोल प्रभाज आएगा ना, वह मोल प्रभाज इस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होगा। बात को समझिए फिर से कि जब इस गैस को इस द्रव में घोल दिया जाएगा तो इस गैस का जितना मोल प्रभाज इसमें घुलेगा वह मोल प्रभाज इस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होगा। यानी कि अगर मोल प्रभाज को हम लोग यक्ष से दिखाएं तो वह मोल प्रभाज यक्ष उस पर लगाए गए दाब पी के समानुपाती होगा। अब देखिए यहाँ पर पी और ये परपोजिशन ड्राएंगे तो फिर ये कांस्टेंट लगाएंगे और ये यक्ष मतलब मोल प्रभाज हो गया। तो लिख सकते हैं जहाँ यक्ष बराबर मोल प्रभाज, पी बराबर पार्शियल प्रेशर, के एच बराबर हेनरी का नियतांक, ठीक है, यानी कि पी बराबर के एच इंटू एक्स, ठीक है। तो इस तरह से भी हेनरी के नियम को दिखा सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है कि आप अपने डेली लाइफ में हेनरी के नियम का उपयोग कहाँ देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो गर्मी आ रही है, गर्मी आ गई है, गर्मी चल भी रही है और इसमें आपको ठंडा या कोका कोला बहुत मज़ा देता है। कोका कोला पे आप देख रहे हैं गाने भी आ रहे हैं तरह तरह के, तो मज़ा भी देता है, ठीक है। उस कोका कोला का जैसे ही ढक्कन आप खोलते हैं वो भक्क से फेंक देता है ऊपर, ठीक है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यही कि दोस्तों जब कोल्ड ड्रिंक बनाई गई होगी तो उसमें जब ढक्कन लगाया गया होगा ना, तो ढक्कन लगाने से पहले उसमें बहुत ही हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली गई होगी उसमें या डाली गई होगी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस पूरे कोल्ड ड्रिंक से मिक्स हो जाती है और उसके कारण उसमें एक प्रेशर आ जाता है और जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं वैसे ही वो तेज गति के साथ कोल्ड ड्रिंक बोतल से बाहर आ जाती है, ठीक है। तो वो कारण है क्या कि देखिए जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें अधिक दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर करके उसमें ढक्कन बनाया जाता है, ढक्कन लगाया जाता है, ठीक है। तो उसमें बहुत ही अधिक दाब होता है, ठीक है। देखिए दूसरी बात क्या है कि जब ये ढक्कन लगाया जाता है ना तो उस टाइम पे तापमान क्या होता है, स्थिर होता है। यानी कि अगर सीधे से बात कही जाए कि जो हेनरी का नियम है ये कब लागू होता है या इसको कब लगाना चाहिए, तो सबसे पहली बात है कि जब दाब अधिक हो तभी ये हेनरी का नियम लागू होता है या काम करता है, ठीक है। यानी कि दाब अधिक होगा तो आपकी विलयता भी बढ़ेगी और तभी हेनरी का नियम काम भी करेगा। दूसरी बात, हेनरी के नियम को लागू करते समय पूरा प्रक्रम में जो परिवर्तन होता है ना, उस पूरे प्रक्रम के दौरान तापमान क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए। तो दो चीज़ें हैं, हेनरी का नियम लागू करते समय तापमान स्थिर होना चाहिए और दाब प्रायः अधिक होना चाहिए, तभी आप जो है हेनरी का नियम लागू कर पाएंगे। तो दो चीज़ें हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस लेसन से, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो सीधे सीधे छोड़ दीजिए, पहला हेनरी का नियम और उसकी परिभाषा दीजिए और उसका एक्सप्रेशन लिखिए, तो ये आपको लिखना है। अब दो क्वेश्चन जो बच गए वो क्या है, पहली बात आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि तापमान अगर बढ़ाते हैं तो विलयता बढ़ती है कि घटती है। तो याद रखिए पूरे प्रक्रम के दौरान तो तापमान स्थिर होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ताप बढ़ा रहे हैं तो विलयता घटती है। विलयता घटती है कब, जब तापमान बढ़ाया जाता है तब, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात कि अगर प्रेशर को बढ़ा दें तो भाई यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर को अगर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो वही बात है कि प्रेशर अगर दाब बढ़ा रहे हैं तो विलयता भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से हेनरी का नियम समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और फिर इसी तरह की वीडियो के साथ हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसके बाद आने वाली वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक बात करेंगे वो भी थोड़ी सा आप सोच लीजिए, सुन लीजिए, ताकि आगे से तैयार रहिएगा। तो आगे जैसे वीडियो आएगी वैसे आप पढ़ने को तैयार हो जाएगा। देखिए अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्या होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और कोलाइडी विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, वास्तविक विलयन क्या होता है, क्या होती है उन विलयनों में कणों की साइज, आकार के आधार पर विलयन का वर्गीकरण कैसे करते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एरोसॉल क्या होता है, बहुत आप नाम सुनेंगे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बेंजोसॉल क्या होता है, एल्कोसॉल क्या होता है, हाइड्रोसॉल क्या होता है, बेंजोसॉल क्या होता है, एरोसॉल क्या होता है, गोल्ड सॉल क्या होता है, सिल्वर सॉल क्या होता है, सारी चीज़ें अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, बेहतरी मस्त रहे, आपका दिन शुभ हो।